हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HS Wari। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपके मन में हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहती है कि मेरे बगल वाले बर्थ पे कौन आएगा, या फिर मेरा अगर ये लोअर है तो ये ऊपर वाले बर्थ पे कौन आएगा, कहाँ से आएगा। तो आज से कुछ समय पहले, 2 साल पहले क्या होता था दोस्तों, एक चार्ट बनता था ट्रेन का और ट्रेन के बाहर में वो चार्ट लगाया जाता था। तो उस चार्ट से सभी को पता चल जाता था कि इस बर्थ पे ये आएगा और इस स्टेशन से आएगा। तो आपको ये रहता था कि चलो हाँ, तब तक ये बर्थ मेरा है, मैं इस दोनों बर्थ के ऊपर लेट सकता हूँ, मतलब जो भी आपके मन में रहता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, ये जो चार्ट प्रिपरेशन वाला काम है वो बंद हो गया, कहीं कोई प्रिंट करके नहीं लगाता। तो आपको डिटेल चाहिए तो क्या करना होगा, आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना होगा IRCTC ऐप में, ये खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ये ट्रेन वाला सेक्शन मिलता है, इसमें जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको एक चार्ट वैकेंसी का ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो ये, इसके ऊपर क्लिक करना होगा तो ये आपको ब्राउज़र में खुल जाएगा जाके। तो यहाँ पे ये आके खुल जाता है, तो देख सकते हो ऊपर चार्ट रिजर्वेशन चार्ट्स करके लिखा आ रहा है। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपनी ट्रेन का नंबर डालना होगा। तो चलिए मैं अपनी ट्रेन का ये कोई भी ट्रेन ले लेता हूँ। चलिए मैंने एक का नंबर डाल दिया जो कि दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन है, और आज की डेट रखनी होगी, और यहाँ पे स्टेशन डाल देना जहाँ से आप बैठे हो। जैसे चलिए मैं दिल्ली से बैठ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ पे गेट ट्रेन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अभी आपके पास ये जो ट्रेन है इसके सभी जितनी भी बॉगीज़ हैं वो सब आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे G1 G2 G3 G4। अभी आपको यहाँ से अपनी बोगी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी बोगी है उसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, जैसे आप क्लिक करोगे नीचे उसकी यहाँ पे ये बर्थ्स खुल के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक नंबर बर्थ है, 2 नंबर 3 4 5 6 7, देख सकते हो यहाँ पे 6 तक बर्थ इधर हैं, फिर 7 8 9, ये सेक्शन वाइज यहाँ पे चलता रहेगा। अभी इसमें आपको आपका जो बर्थ है, आप जो चाहते हो कि जैसे आपका 48 नंबर बर्थ है, आप चाहते हो 49 का डिटेल्स निकालना, तो आपको यहाँ पे 49 पे जाना है। जिस भी बर्थ का आपको डिटेल निकालना है उस बर्थ के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप क्लिक कर दोगे तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है दिल्ली सराय रोहिल्ला टू अलवल वैकेंट, तो अलवल तक यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला, अलवल टू बंचू जंक्शन, तो यहाँ से अलवर से बंचू जंक्शन तक यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद फिर बच्चू से सूरत तक भी ये ट्रेन, ये जो बर्थ है ये खाली रहेगा। तो ऐसे दोस्तों आप जान सकते हो कि आपका जो बगल वाला बर्थ है वहाँ पे कब से कब तक रहने वाला है ऑक्यूपाइड। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी आके बैठ जाता है ट्रेन में, पता चलता नहीं है कि इसका बर्थ है नहीं है, आप डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकते किसी से, झगड़ा होने का डर रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।